बिलासपुर में जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में नगर के बाकड़ा विस्थापितों का उपायुक्त राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें विस्थापितों ने मुख्यमंत्री को प्रेषित करने के लिए 8 पृष्ठों का एक हस्ताक्षरित विस्तृत ज्ञापन भी जिलाधीश को भेंट किया, जिसकी एक प्रति उन्हें भी आवश्यक कार्रवाई हेतु दी गई। सर्वदलीय बाकड़ा विस्थापित समिति के महामंत्री जय कुमार ने कहा कि विस्थापितों ने इस ज्ञापन में 13 शताब्दी पुराने बिलासपुर नगर की उनकी सारी भूमि और संपत्ति बाकड़ा बांध निर्माण के लिए ले लेने और उन्हें उजाड़ देने के बाद उनके पुनर्वास के नाम पर केवल मात्र एक 1800 वर्ग फुट का प्लॉट देकर सरकार ने अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें पड़ोसी राज्यों के हितों और देश के विकास के नाम पर उजाड़ा गया था, लेकिन भाखड़ा बांध से लाभ उठाने वाली सरकारों से विस्थापितों के हितों की रक्षा के लिए हिमाचल सरकार द्वारा कोई भी लिखित समझौता नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप विस्थापित पिछले 60 वर्षों से विभिन्न समस्याओं को झेलने को विवश हैं। जय कुमार ने कहा कि विस्थापितों की आहत भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने 28 जुलाई 2018 को पिछली सरकार की अतिक्रमण संबंधी बनाई गई पॉलिसी में कथित सुधार करने के लिए जो अधिसूचना जारी की, उसका विस्थापितों को कोई लाभ नहीं हुआ है और जब तक पॉलिसी की विस्थापित विरोधी सभी शर्तें हटाई नहीं जाती, तब तक किसी भी विस्थापित को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। विस्थापित समिति ने मांग की है कि पॉलिसी की सारी शर्तों को हटाया जाए और समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप न्याय संगत और तर्क संगत सुधार करके विवशतावश किए गए सरकारी भूमि के उपयोग वाली भूमि को विस्थापितों के नाम नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि या फिर नगर का दोबारा से मिनी सेटलमेंट करने और पुराने नगर की भूमि के बदले में नए नगर की कथित अतिक्रमण वाली भूमि को समाहित करने या फिर प्लॉट के 999 वर्ष की लीज पर होने के कारण अतिक्रमण वाली भूमि को आसान लीज पर ही दिए जाने आदि की मांग की गई है, ताकि किसी भी सूरत में भाखड़ा विस्थापितों को दोबारा उजड़ने से बचाया जा सके। राजकुमार ने कहा कि नए नगर में विस्थापितों के पास एकमात्र प्लॉट है जो लीज पर होने के कारण सरकार के नाम पर है अथवा उसकी मालिक सरकार है, इसलिए उन्हें भूमिहीन घोषित करके उनके सारे सरकारी भूमि के अतिक्रमण को सरकारी नियमानुसार भूमिहीन मानकर नियमित किया जाए या फिर उन्हें भू मालिक घोषित करते हुए राजस्व विभाग को प्रमाण पत्र देने के आदेश दिए जाए, ताकि वे धारा 118 के अधीन अनियंत्र भूमि खरीदने के योग्य हो सके। विस्थापित समिति ने स्पष्ट किया कि क्योंकि सरकारी भूमि के सदुपयोग संबंधी मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सब जुडिस है, इसलिए विस्थापित राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए प्रार्थना पत्र को भरकर देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को न्यायालय के निर्णय के आने तक स्थगित किया जाना चाहिए। विस्थापित समिति ने मुख्यमंत्री द्वारा विस्थापितों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राज्य वित्त आयुक्त के अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट किया और विश्वास व्यक्त किया कि विस्थापितों को आशा बंदी है कि निश्चित ही अब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। बैठक में विस्थापितों ने भारी संख्या में भाग लिया। उपायुक्त ने विस्थापितों से सहानुभूति प्रकट करते हुए उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने में पूरा प्रयास पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। सत्रह और 18 अगस्त को बिलासपुर में हुई भारी बारिश ने जहां करियाल गांव में भारी तबाही मचाई थी, तो वहीं जबरदस्त लैंडस्लाइड के चलते 7 परिवारों के घर जमीन दोज हो गए थे, जिसके बाद से 7 परिवारों के सदस्यों को करियाल में ही बने सामुदायिक भवन में रहकर जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। जहाँ एक और पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने अपनी आप बीती सुनाई, तो साथ ही प्रदेश सरकार से जल्द मकान व कृषि के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की गुहार भी लगाई है। गौरतलब है कि ये सभी परिवार के सदस्य खेती बाड़ी कर जिंदगी गुजर बसर करते थे और लैंडस्लाइड के चलते उनकी सभी जमीन अब बंजर हो गई है। वहीं इस संबंध में बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल का कहना है कि सरकार द्वारा 22 जनवरी 2014 के तहत जारी निर्देश के अनुसार लैंडस्लाइड के दौरान
पूरी तरह से जमीन खो चुके पीड़ित परिवारों के लिए 3 बिस्वा जमीन देने का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते उद्योग विभाग के सेरिकल्चर विंग के तहत उपयोग में नहीं लाई जा रही जमीन को पीड़ित परिवारों के नाम करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है और जल्द ही आपदा पीड़ित इलाकों का जायजा लेने सेंटर की एक टीम भी बिलासपुर आकर करियाल गांव का निरीक्षण करेंगी। बिलासपुर के बाखड़ा के सलोहा पंचायत में लोगों में फूटा गुस्सा। समस्या से जूझ रहे ग्रामीण 3 से 4 किलोमीटर तक लोगों को पैदल मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले बच्चे की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि सड़क होती तो मासूम की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि अगर सड़क खुली होती तो मासूम की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि बच्ची को सांप ने काट लिया था और उपचार समय पर नहीं मिल पाया था, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी गर्भवती महिला को चारपाई पर ले जाकर अस्पताल ले जाया गया था, तब कहीं जाकर महिला का उपचार करवाया था। उन्होंने बताया कि बाकड़ा बनने से उन्होंने अपनी जमीन गवा दी है, फिर भी आज तक उन्हें सड़क जैसी सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद उन्हें टूटी हुई सड़कों का सामना करना पड़ता है। आज तक काफी सरकारें आई लेकिन उनके गांव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ नेता लोग वोट मांग लेते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई भी नेता हटकर नहीं आता है। ग्रामीणों की बात माने तो गांव के लिए सड़क मंजूर हो गई थी, लेकिन वो कब बनेगी कोई नहीं जानता। विभाग से बात करने पर बताया जाता है कि DPR बन गई है, जैसे ही सारे कागजात पूरे हो जाएंगे सड़क बना दी जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द काम नहीं किया तो ग्रामीण इकट्ठा होकर चक्का जाम करेंगे।